हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं धा वर्ण। कौन सा वर्ण पढ़ने वाले हैं? धा। धा से धनुष। क्या पढ़ने वाले हैं? धा से धनुष। और भी कुछ अक्षर होते हैं धा से? धा से धनुष, धा से धन, धा से धरा, धा से धरती, धा से धुआं। धनुष यानी ये जो राम भगवान के पास होता है, धा से धनुष। और इसको क्या बोलते हैं? बाण के अणाम है बाण, धनुष बाण। धा से धनुष, धा से धन, धन यानी रुपया पैसा। धरा और धरती यानी जमीन, ये दोनों का एक ही मीनिंग होता है, धरती और जमीन, धरा धरती। धा से धुआं, जब कहीं पे आग लगती है तो धुआं निकलता है ना, तो ये वाला धुआं। अब धा बनाना बहुत ही आसान है। पहले हम घा घड़ी का बनाते हैं, आप लोग आता है ना घा घड़ी का बनाना। घा घड़ी का बनाना लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें यहाँ से लाइन नहीं खींचना है। पहले हमको सर्कल बनाना, हाफ सर्कल, फिर वन सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन लिखनी है। ये देखिए कैसे लिखना है। धा से धरती, धा से धनुष, धा से धरा, धा से धुआं, धा से धन। ऐसा बोल बोल कर लिखोगे आप। ओके।